हैं स्वाभिमान यात्रा करें। भाई किस प्रकार का स्वाभिमान यात्रा? आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड में कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, आपको संविधान जो है यहाँ पर रहने का अवसर देती है, खाने पीने रोजगार का कहती है, आर्टिकल 19 कहती है कि आप यहाँ पर बोलिए, कहिए, अपना विचार व्यक्त कीजिए, लेकिन ये भी तो नहीं कहती है कि आप अपने विचार ऐसा व्यक्त करते हैं जिससे हमारे झारखंडियों का जो है स्वाभिमान पर ठेस पहुँचेगा, तो ऐसा हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्पष्ट शब्दों में जो भी इनके जो हैं सागर तिवारी जो हैं उनको स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। और यहाँ आदिवासियों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है। मैं संथाल समुदाय से आता हूँ, सीधा सीधे मिताम कला सेंद्रा म्याल है। अगर हमारे आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, आप क्या पोस्ट लिखते हैं जी? मणिपुर की तरह घटना करेंगे? ये क्या समझ के रखे आदिवासी को? बेवकूफ समझ के रखे हैं। सेंद्रा का मतलब समझाइए उनको कि आने वाले समय में पूरा आदिवासी समाज उसको सेंद्रा भी कर सकता है। ये हमारे आप आए हैं, खाते हैं, बसते हैं, रहते हैं, अच्छी बात है। हमारे स्वाभिमान के साथ, हमारे अस्मिता के साथ, हमारी इज्जत के साथ अगर खिलवाड़ कीजिएगा तो हम लोग हाथ में चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं, आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी उपायुक्त महोदय के सामने हम लोग एक जो है मेमोरेंडम ज्ञापन दे के आए हैं कि ये जो आपका यात्रा जो हो रही है बिहार यूपी स्वाभिमान यात्रा, इसको तत्काल रद्द करें, बंद करें। देखिए यहाँ पर किसी को रहने खाने का कोई हम लोग में कोई आपत्ति नहीं, आप आइए, बसिए, रहिए, रोजगार कीजिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप इस प्रकार से तमाचा लगा रहे हैं हम झारखंड के ऊपर, जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर 1931 में झारखंड प्रदेश में 1931 में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 40% थी, सदानों की जनसंख्या 60% थी, कि 50 वर्ष के बाद 1981 में आदिवासी मात्र 28% तक आ जाते हैं और सदान भी 57% आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या आदिवासी समाज में बच्चे पैदा नहीं होते हैं? तो फिर कहाँ गई हमारी जनसंख्या? और उस समय 15% बाहरी लोग आ करके जो बस गए हमारे प्राइवेट संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, जहाँ जहाँ भी इनको मौका मिला, खनन में, पट्टा में, रोजगार में, हर जगह लोग बैठ गए। हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है, इसीलिए हम लोग आए हैं। ऐसा ना हो, झारखंड जाग चुके हैं और इस प्रकार से जो अगर यात्रा निकालेंगे, हम भी चुप बैठने वाले नहीं है, स्पष्ट हम लोग बोल दिया। अगर ये यात्रा नहीं रुकती है तो हम लोग भी उस दिन वहीं पर ही हम लोग दल बल के साथ यात्रा निकालेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेम माडी है, मैं JLKM का केंद्रीय उपाध्यक्ष। ठीक है, जोहार। अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं जमशेदपुर के DC ऑफिस में हूँ और यहाँ जो है JLKM के तमाम जो है क्रांतिकारी जुटे हैं और महिला मोर्चा के लोग भी जुटे हैं। हमारे साथ में कोकिला जी हैं। कोकिला जी, आज जो हमने खबर सुना कि 22 तारीख को किसी सागर नाम के व्यक्ति के द्वारा जो है एक महाजुटान किया जा रहा है, स्वाभिमान महाजुटान, उस जुटान का नाम दिया गया है स्वाभिमान यूपी बिहार महाजुटान, तो ये क्या झारखंड में इस तरह, और वो भी क्या एक बिहार से कोई मनीष कश्यप नाम के व्यक्ति हैं, उसको मुख्य अतिथि बनाया गया, आखिर झारखंड में उनको किस चीज का अभिमान है जो, या उनको सम्मान नहीं मिल रहा है जो स्वाभिमान के तहत वो महाजुटान कर रहे हैं, वो भी यूपी और बिहार को लेकर के, ये क्या कहना चाहेंगे? इसमें साफ चीज़ दिखाई दे रहे हैं कि उन लोग झारखंड को यूपी बिहार बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बिहार यूपी में जैसे जातिवाद से कूट कूट से बड़ा हुआ है, अपार लोअर बैकवर्ड, अपार में भी राजपूत भूमिहार ब्राह्मण सब डिवीजन में बांट के उन लोग लड़के जैसे गंदा करके रखा है, कोई सांप्रदायिक संप्रीति नहीं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा करके जैसे सांप्रदायिक संप्रीति बिगाड़ के रखा है, झारखंड को भी उसी ढांचा में लाने का कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम देखा जाए तो झारखंड में एक वर्ल्ड जू है, एक चिड़ियाखाना है, जहाँ सिर्फ भारत देश से नहीं, जहाँ विदेश से भी लोग करके बसा हुआ है, अपना कार्मिक नौकरी करने के लिए व्यापार करते हैं। हाँ, यहाँ बिहार हमारे यहाँ वुमेन फ्रीडम घूमता है। हम लोगों में गांव खास करके देखा जाए गांव में तो हम लोगों का कोई जातिवाद नहीं था,
कल तक नहीं था, लेकिन अभी कूट कूट के भरा हुआ है। मूल निवासी है, आदिवासी है, कुम्हार है, मातो है, कोई भी है, ये SC है, ये ST है, ये संथाल है, भूमिज है, इसका इंजेक्शन ही करते जा रहा है। यहाँ का सांप्रदायिक संपत्ति नष्ट करने का कौन सा इसको प्रॉब्लम हो गया जो जुटान करने का जरूरत है? अगर जुटान नहीं करता तो सारे पूर्व सिंहभूम जैसा जगह के विश्व भ्रातृत्व तुम जुटान करता, है सिर्फ UP बिहारी जुटान करके क्या तुम मैसेज देना चाहते हो सोसाइटी में? इन लोग जस्ट यूपी बिहार की जैसा जातिवाद करके यहाँ का माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा इसका प्रभाव पड़ने भी लगा है झारखंडी समाज में। जोहर। तो क्या इन लोगों को जो बिहार यूपी वाले लोग हैं यहाँ के नौकरी करते हैं उनको सारा कुछ सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद जो है झारखंडी लोगों को अलग करके ये अपना एक जुटान करना चाह रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं यूपी बिहार जुटान क्यों, ये पूर्वी सिंहभूम वर्ल्ड जू है, यहाँ बोलता था विश्व भ्रातृत्व का महा जुटान हो, हाँ सारे भाइयों का महा जुटान हो, हाँ पृथ्वी से आया हुआ सारे भाई, शुरू से बिहार यूपी क्यों, बिहार यूपी राजस्थान ये सब जगह है, ऐसा जगह है जहाँ अभी भी जातिवाद के चलते पानी नहीं पी के आदमी मरता है, अभी भी जातिवाद के चलते नेकेड होकर महिला को घुमाता है, अभी भी जातिवाद के चलते छोटा जात का महिला रेप होता है। तुम झारखंड में ये चलाने की कोशिश करोगे हम लोग करने नहीं देंगे। जेल के जिंदाबाद। धन्यवाद आपका। जय झारखंड, जय झारखंड। अब तक न्यूज सच आपके सामने।